ना कुछ पकौड़े हो जाए तो छोड़ो, आते हैं मेन कंटेंट पर। तो आखिर भाई आपका क्या गैजेट्स यूज करता है? तो गाइस, ये है आपके भाई का पहला गैजेट। क्या तुतुल पुतुल कैमरा नहीं है तो क्या हो गया बॉस? V17 तो है ना, विद अ फोर कैमरा, आई मीन क्वाड कैमरा सेटअप, 8GB 256GB स्पेसिफिकेशन, स्लिम एंड स्लीक। तो ये वैसे ही है बॉस, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बाकी लेते हैं तो सारे मिल गए हमको पागल बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में वैसे इसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल है तो इसकी कुछ सिनेमेटोग्राफी होती है। ये है आपके भाई का सेकंड गैजेट, HP एलीट बुक 2570p विद थर्ड जनरेशन एंड i5। जानता हूं बॉस थोड़ा लो बजट है, इसलिए भाई ने करवाई है थोड़ी अल्ट्रेशन। ये DVD नहीं है, उसकी जगह है इंटेल 180GB SSD। वो आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? और साथ ही रैम थी 4GB, जिसे भाई ने अपग्रेड करवाने का सोचा 16GB में, लेकिन वो था थोड़ा ज्यादा, तो किया थोड़ा थोड़ा कम 12GB पे। ये है आपके भाई का थर्ड गैजेट, निकन D5600, जिस पे लगा है एक पोर्ट्रेट लेंस जो कि है 50mm का 1.8G, जो कि भाई के भाई ने लगाया है क्योंकि भाई का भाई है फोटोग्राफर, और साथ ही पड़ा एक ऑटो फोकस 2880 का लेंस। लेकिन इसके अलावा भाई आपका सोच रहा है कि एक वाइड एंगल लेंस की अशद जरूरत है, क्यों ना उसे अपग्रेड कर लिया जाए। जनाब, ये है आपके भाई का चौथा गैजेट जो कि है एक स्टेट कैम गिम्बल स्टेबलाइजर। ये है एक मैनुअल एनालॉग स्टेबलाइजर, क्योंकि इसमें वेट शेट और बैलेंसिंग जरा एडजस्ट करनी पड़ती है, जो कि आपके भाई ने अभी करंटली की हुई है। और इसके अलावा कुछ होते हैं ड्रॉप टेस्ट लाइक दिस वन, 1, 2, 3, और ये आपको बता रहा है कि ये आपका कैमरा है बैलेंस पोजीशन के अंदर। ये बैलेंसिंग टेक्निक बहुत अहम है एक अच्छी सिनेमेटोग्राफिक वीडियो के लिए, लिहाजा अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं कि कैसे बैलेंसिंग किया जाए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आसान जुबान में और डिटेल एक वीडियो बना के आपको सारी तफसीलात से आगाह कर सकूं। समझ गया सिनेमेटोग्राफिक शॉट्स हो जाए।